Hello friends and foodies, this is Ashish and this is Anik and we welcome you to Equipped Mumbai. So guys, अच्छा response था, मतलब जिन्होंने देखा friends ने comment जो है उन्होंने directly बताया कि ये video अच्छा था, उन्होंने भी Maggi Bhel try किया and they liked it. अच्छा लगा. Nice. So आज हम लोग एक नया dish लेके आए हैं and this is soybean chili. तूने खाया पहले? ये मैंने पहले बना चुका हूँ, पहले मैं बना तो आई लाइक द चिली बेसिकली, उनका टेस्ट रहता है वो क्लासिक रहता है. सो पनीर चिली वाज ग्रेट, चिकन चिली वाज ग्रेट, बाकी चिली मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन अभी ये सोयाबीन चिली ट्राई करेंगे. आई होप सोयाबीन चंक्स को मैंने आधा घंटा पहले गर्म पानी में भिगो के रखा था. हाँ, मतलब लूक वार्म वाटर में भिगो के रखा था. ग्रेट सोया बीन्स. Yes. So, इसको हमको अच्छे से स्क्वीज करके उसका पानी निकाल के इसमें निकाल देंगे. So, लास्ट टाइम तुझे पनीर को फील किया था, इसको फील कर. ओके, एनीवेज अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट हो गया है. रानी के इसने अच्छे से हाथ धो लिया है, यहाँ पर नैपकिन आने के अच्छे से हाथ पोंछ भी लेगा. सो हमारे पास यहाँ पर सोया चंक्स रेडी हैं, हम लोग ने अच्छे से उसको जो है स्क्वीज कर लिया है. सो गाइस, हियर वी आर. सब हमारा प्रेप्स रेडी हो चुका है. सो मैं बस आपको एक लिस्ट बता देता हूँ. हमारे पास है सोया चंक्स, जो कि आप अपने क्वांटिटी के, आपके इतने लोग हैं कितने खा रहे हैं उस हिसाब से. हमारे यहाँ पे 3 सर्विंग है तो मैंने इतना लिया हुआ है. फिर मैंने उसके बाद 3 मीडियम साइज के अनियन लिए हैं यहाँ पर. उसके बाद मैंने लिया है 1 और आधा मीडियम साइज का 1.5 कैप्सिकम पसंद नहीं आता. फिर उसके बाद लिया है टमेटो सॉस, केचप. उसके बाद आपने जो देखा अभी हम लोग ने किया वो अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट. ये है 2 टेबलस्पून ऑफ मैदा जो हमें मैरिनेट करने के लिए लगने वाला है और वो अभी हम कर रहे हैं. दिस इज अ क्लासिक थिंग. ये है सोया सॉस. ओके, और हमें मिर्ची पाउडर लगने वाला है जो कि हमने यहाँ पर लिया होगा. सबके घर पे होता है, जो दिखाने के लिए मिर्ची पाउडर और स्वाद अनुसार नमक. यस, सो अभी हम काम करेंगे इसको मैरिनेट करके रख देंगे. ठीक है, उसको मैरिनेट करने के लिए हम लेंगे ये वाला पर इसको निकाल देंगे इसमें. सो गाइस, ये है सोयाबीन जो आपने देखी सुनी होगी. सो अभी हमको इसमें नमक डालना है लिटिल. ठीक है, इतना डालने के बाद अब हम डालेंगे मिर्ची पाउडर जो कि बिल्कुल आधा चम्मच, क्योंकि हम हरी मिर्च यूज कर रहे हैं. और फिर हम इसमें डालेंगे, पहले डालेंगे 1 टीस्पून मैदा. अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे. मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके मिला रहा हूँ, क्योंकि एक साथ आप डाल देंगे तो लम्स भी बन सकते हैं. अब थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा मिलाते जाएंगे. ओके, ये अच्छे से जो है मैरिनेट हो चुका है. कुछ लोग इसमें दही भी डालते हैं, बट मैं अवॉइड करता हूँ. चिकन बटर का ऑब्वियसली दही डालते हैं. सो ये हो चुका है, इसको हम साइड में रखेंगे. ऑलरेडी साइड में ही है. सो अभी प्रेप्स हो चुका है, अभी हम इसको फ्राई करना है, डीप फ्राई. सो डीप फ्राई करने के लिए सबसे पहली चीज़ हमें करनी है वो है पैन बर्न. सो अभी हम जो है हमारा ऑयल आ चुका है, हम इसको जो है ऑन करेंगे. सो गाइस,
तेल हम लोगों ने रख दिया है, गरम भी हो चुका है, हम डायरेक्टली डालेंगे अभी अपने सोयाबीन। यस, और हम लोगों ने पहले डाल दिया, या इट्स गरम, वेरी गरम हो चुका है। So guys, ये सब fry करके ready है। Yes, ये मस्त crispy golden brown हो चुका है। So अब हम जो है final step करेंगे। इसमें हमें जो है इसको तड़का देना है। इसको on करेंगे, इसको medium flame पे रखेंगे। इसमें हम जो है तेल ले लेंगे, 3 tablespoons oil। अब हमें basically शुरुआत करनी है onion से जब ये गर्म हो जाता है। ये खा के देखा? अच्छा लग रहा है, मतलब ये क्रिस्पी हो चुका है और उसमें नमक है, मिर्ची है, इसलिए वो ऐसे ही अगर आप टीवी देखते हुए खाए ना तो भी मस्त लगा। शेजवान सोया सॉस इज योर चॉइस। मैं तो ऐसे भी खाऊँ, लेकिन अगर इसको थोड़ा और, अगर मैं समझ लो चाट मसाला या मिर्ची थोड़ा और ज्यादा डाल देता ना तो ये खत्म, ऐसे ही खत्म हो जाता है। लेकिन चलो अभी तुमको उसको चिली बनाना है। ये हो चुका है ऑलमोस्ट। सो इसमें हम पहले अनियन डालेंगे, नहीं तो पेस्ट डालते तो वो जल जाएगा। मैंने अनियन को लंबा लंबा रखा है कि इसमें बारीक आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। एक्चुअली हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें सिर्फ उसका जो एक शेप होता है ना अनियन के, वो सारे पेटल्स जब अलग हो जाए उतना ही करना है। शिमला मिर्च डालना होता है, दो शिमला मिर्च डालेंगे क्योंकि इसने बोल दिया कभी। सो इसमें अभी शिमला मिर्च जा चुकी है, ज्यादा पकाने से पहले हम इसमें डालेंगे टमाटो केचप। डालेंगे इसके अंदर टमाटो केचप, एक दो तीन। ओके, तो ये भी हो चुका है टन टन। अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, हमारा खांसी का टॉनिक, इसको बॉटम अप। लेकिन हमें पूरा नहीं डालना, मैंने ज़्यादा लिया है, हम लोग थोड़ा थोड़ा डालेंगे। ये डालने के बाद आपको नमक कम डालना है क्योंकि ये जो है इसमें सॉ नमक होता है, ये सॉल्टी का फ्लेवर देगी। अभी ये बेसिकली चिली रेडी है, चिली ग्रेवी बोल सकते हैं हम लोग इसको। ये इसके अंदर आप चिकन डालो, पनीर डालो, सोयाबीन डालो या कोई और वेजिटेबल्स फ्राई कर सकते हो, मैदे को करके थोड़ी अच्छे से। सो इट्स ग्रेट, या फिर आप मंचूरियन बॉल बनाओ। तो मिक्स कर लो, डालता हूँ थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा नमक डालें। पूरा रेडी हो चुका है हमारा, फिर अभी सर्व करना बाकी है। हम लोग ये सर्व करने हैं, बस इसको इसलिए मिक्स कर रहे हैं क्योंकि जो ड्राइड चंक्स थे उसको अच्छे तरीके से वो मसाला पूरा अंदर जाएगा, पूरा जो चिली उसको अच्छे तरीके से लग जाएगा। ऑलमोस्ट हो चुका है। सो अब हम करेंगे इसको सर्व। फाइनली हमारा सोयाबीन चिली रेडी हो चुका है एंड खुशबू बहुत अच्छा है। मैं एक्साइटेड हूँ। सो अभी हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। मैं ऑब्वियसली लूंगा थोड़ा सा सब्जी के साथ। यस,
हम लोग ने ज्यादा सब्जी नहीं डाला है, हमने सिर्फ कैप्सिकम और अनियन डाला। हम फास्ट फूड करना शुरू कर सकते हैं। या लेकिन व्हाट टाइम है? तो गाइस आई थिंक इसको अच्छा लगा इसका, ये बिजी है। सो गाइस ये आप जरूर ट्राई कीजिए, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस आपको सोक करके रखना है, एवरीथिंग इज वेरी क्विक, 20 मिनट्स में आराम से बन जाएगा। हम तो बकवास कर रहे थे इसलिए टाइम लगा। जरूर ट्राई कीजिए, हमें कमेंट में बताइए कैसा लगा ये वीडियो, आपको पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमें इन्फॉर्म कीजिए। एंड बाय बाय।